दोस्तों यहाँ होटल पे तो गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, बहुत अच्छा जगह है। पहले मतलब मेन रोड है, ये लाइन होटल है, तो यहाँ खड़ा कर देते हैं। हम जा रहे घर और आदमी के आते हैं माँ लोग से। दोस्तों दोपहर के 1 बज गया है और हमारा आज संडे बन रहा है जामतला में ही। और ये मछली है और ये अभी आम खिलाने वाला हम लोग को। चलो आम खाते हैं। आम घर से मतलब घर में नहीं रखा, पेड़ में जा रहा तोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम नए लोगों आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों रामगढ़ से 3 बजे सुबह 3 बजे मतलब रात में उठ के चले थे हम लोग, तो अभी हम लोग बोकारो पार कर गए हैं, तेलमोचो वाला रोड पकड़ लिए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जो बाईपास रोड जो है, जिसके विषय में हम काफ़ी जानकारी ले रहे थे, पहले देखे होंगे पुराना वीडियो में देखा होगा, एक छोटा सा ब्रिज था तो उसको खैर बना दिया, तो हम देखे भी अपने से भी है, लेकिन उसका क्या हाइट है, इस रोड पे कंटिन्यूस चलता है कि नहीं चलता, दो रेलवे क्रॉसिंग है, तो ये सब थोड़ा समस्या था इसमें। हालांकि अभी तक हमको मिला नहीं कंटेनर इसमें, लेकिन हम कंटेनर ड्राइवर से बात किए तो वो बोलता है चलते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, हम भी इस रोड को देख लेते हैं। क्या ना, इस रोड को देखने के बाद बहुत सा गाड़ी हजारीबाग बगोदर होते हुए घूम के जाता है। अगर इस रोड को हम जान जाएंगे तो हमारे द्वारा बहुत सा कंटेनर का ड्राइवर को पता चल जाएगा, तो वो लोग भी चलना चालू कर देगा। अरे ये सौरभ भी साथ में आया है, ये तो जान रहे कि नानी अपना दादी घर जा रहा है, तो ये तो गाड़ी उड़ी में चलता नहीं है, लेकिन ऐसे ही कभी कभी मौका मिलता है इसको, तो गाड़ी में बैठ करके अपना दादी से जा रहा मिलने के लिए। दोस्तों जो ब्रिज, जिस ब्रिज के विषय में बात कर रहे थे हम कि पहले छोटा था, अब बना दिया बड़ा, अब टेंशन नहीं है इस रोड में, तो जो इधर से आ सकते हैं हम लोग बोकारो से तेलमोचो होते हुए राजगंज निकल सकते हैं। देखिए वो ब्रिज पहले छोटा वाला बगल में था, वो बंद कर दिया गया है, ये बड़ा वाला बनाया है। ये देखिए वो ब्रिज है, अब टेंशन नहीं है इसमें, इतना भी हाइट गाड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा इसमें। पहले हम लोग भी नहीं आ पाते थे बड़ा गाड़ी लेकर के, हाइट मार लेके नहीं आते थे, उधर हजारीबाग घूम के जाते थे। ये देखिए ये कितना बड़ा ब्रिज बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गाड़ी पार हो जाता है। इसका हाइट कम से कम 15-16 फीट है इस ब्रिज का हाइट। देखिए दोस्तों हम लोग का तो माल तो नेपाल का है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं जामतला होके। सुबह माँ सरोई, सुबह माँ सागर, गाड़ी में तो ढेर घुमा है, गया है ढेर दूर, तो आप जा रहा है सौरभ घर जा रहा है दादी घर ना। पहले हम लोग छोटा थे तो सब जाते थे दादी घर पापा की गाड़ी से ही, तो बहुत 3-4 साल से नहीं गए हैं, तो जा रहे हैं बहुत दिन बाद दादी से मिलने। हम लोग तो चला जाएंगे नेपाल, हम लोग तो फिर इधर नहीं आएंगे, उधर से बस से आ जाएंगे। देखिए दोस्तों फर्स्ट टाइम हुआ जो 1 महीना में हम पहली बार घर जा रहे हैं गाड़ी से, मौका मिला है, बहुत बढ़िया मौका मिला है, खराब नहीं मौका मिला, तो कुछ जा रहे घर में तो कपड़ा और लत्ता भी लेके आ जाएंगे। दोस्तों अभी 10 बज चुके हैं और हम लोग दुमका रोड में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी खड़ा करके चले जाएंगे जामतला अंदर। सिटी में तो गाड़ी लेके नहीं जा सकते, इसलिए गाड़ी यहीं पे खड़ा रहेगा और यहाँ पे बात बात सब कुछ हो गया है। दोस्तों यहाँ होटल पे तो गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, बहुत अच्छा जगह है, पहले मतलब मेन रोड है ये लाइन होटल है, तो यहाँ खड़ा कर देते हैं। अब हम जा रहे घर और आदमी के आते हैं माँ लोग से, और थोड़ा काम है थोड़ा निपट लेंगे जाएंगे, तो यहाँ मतलब जो गार्ड रहता है वो जो खर्चा देते हैं तो थोड़ा बढ़ा कर दे देंगे उसको, तो उम्मीद है कि कल मतलब आज रात में नहीं तो कल सुबह सुबह यहाँ आएंगे, अगर टाइम मिल गया बढ़िया सुबह सुबह आ जाएंगे। ये रहा दोस्तों गाड़ी यहाँ पे खड़ा है एकदम इस होटल के बगल में ही, और रोड भी सामने ही है। कल सुबह तो फिर हम लोग आके यहाँ से गाड़ी ले जाएंगे, और सौरभ तो अभी रुकेगा वहीं पे, कम से कम 4-5 दिन तो रुकेगा जामतला में। ठीक है निकला जाए, टेम्पू भी बुला लिए हैं, ये हमारे गाँव का ही टेम्पू है, हमारे दामाद है गाँव के। चले दोस्तों अभी हम लोग घर यहाँ आ गए जामतला, नहा हुआ के भी थोड़ा फ्रेश हो गया, और अभी गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा किया इसलिए आके थोड़ा नहा लिए थे, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और पापा दोस्तों अभी चले गए हैं अपना दाढ़ी बनवाने के लिए और बाल कलर करवाने को, तो गाड़ी में तो उनको भी मौका नहीं मिलता। रामगढ़ भी आए थे तो एक ही दिन रुके थे तो वहाँ करवाए नहीं, तो अभी गए हुए यहाँ बगल में ही दुकान लगता है तो वहीं पर जाके बाल वाल कलर करवा लेंगे। और दादी और फुआ आज हमारे लिए बना रही है मछली, तो अभी बाजार से मछली दादी तो ले आई थी, हम लोग आने से पहले ही दादी ले आई थी, तो अभी फुआ बना रही है मछली, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, फुआ यहाँ मछली बना रही है। इतना भी भूंज के तो निकाल ली, ये रहा देखिए। तो फुआ भी हम लोग फिर आ गए, अभी गए थे एक महीना बाद, अभी फिर आ गए। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सौरभ तो 3 साल के बाद आया, उसको तो 3 साल के बाद देखे, पढ़ाई के चलते जल्दी वो लोग आ नहीं पाता है। अब आया तो थोड़ा मन अच्छा रहा, पूरा परिवार आएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो हम तो बोल रहे हैं कि आप लोग चलिए वहाँ पे रहिएगा। तो यहाँ कौन देखेगा, यहाँ कौन देखेगा, इतना बड़ा घर कौन छोड़ के जाएगा? बोलो। हाँ, वहाँ लेकिन घर बना लेंगे तो वहीं आके आप लोग रहिएगा। दादी कहाँ गई? तो ये देख लीजिए दोस्तों, अभी पूरा मछली बना रही है, इतना भूंज ली है, और इधर अभी भूंजा रहा है मछली। मसाला देखिए अभी पूरा बनाइएगा ना। तो चलिए दादी से भी मिलवाते हैं। कहाँ हैं दादी? दादी दोस्तों थोड़ा लेटी हुई है, इनका अभी तबीयत खराब, लाइट ऑन कर देते हैं। इनका अभी थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, ठीक है ना दादी? अभी बोलते थोड़ा थोड़ा चल के रहिए हम लोग के साथ, वहाँ 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 रहिएगा ना, ज़्यादा मजा आएगा। तो दादी का खांसी से थोड़ा काम है। तो दोस्तों अभी थोड़ा मतलब स्पेशली हम लोग इसलिए आए थे कि दादी का भी थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, तो उनको भी देखना था, और डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, अच्छे से मतलब देख लेंगे। तो गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, इसीलिए आना पड़ गया। तो अभी ले जाएंगे इनको डॉक्टर के पास, अच्छे से दिखा देंगे। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज गया है और हमारा आज संडे मन रहा है जामतला में ही। ये मछली तरी वाला और ये थोड़ा सा भुजा हुआ सूखा मछली है। दोस्तों आज सौरभ और हम एक साथ खाना खा रहे हैं जामतला में, इसका पहली बार है मेरे साथ में, ये तो कभी आता जाता नहीं है, अभी आ गया है, चलो अच्छी बात है। तो देखिए ये मछली भात खा रहा है आज का, यहाँ का जामतला खा के बताओ। हाँ टेस्टी बना है, अच्छा बना है पूरा। खा के देखा? हाँ खा के देखे। चलो ठीक है, अब खाना खाया जाए। दोस्तों खाना हम लोग खा के थोड़ा सो गए थे थोड़ा देर, अभी शाम का टाइम है, उठे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुना शाम के टाइम में छत में आके रहना बहुत अच्छा लग रहा है। और माँ एक तकलीफ क्या है कि माँ का थोड़ा सा खांसी वगैरह हो गया है, तो जा रहे थोड़ा सा बाज़ार लेकर के उनको दिखाते हैं कोई बढ़िया डॉक्टर से, और दिखा कर लाते हैं। और शाम के टाइम में है थोड़ा छत में अच्छा लग रहा है। ऐसे भी हम आए हैं मात्र 1 दिन के लिए, तो कुछ दोस्त यार लोग भी है, उससे भी जा रहे हैं मिलने के लिए, तो सारा काम निपटते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग अभी आए हैं रोहित के घर में, और पापा तो दादी को लेके गए डॉक्टर के पास, और फुआ भी घर में है, तो इसलिए दोस्तों अभी रोहित के पास आ गया है, और ये अभी आम खिलाने वाला हम लोग को। चलो आम खाते हैं। आम घर से मतलब घर में नहीं रखा, पेड़ में जा रहा तोड़ने के लिए। और उधर आदमी बैठा है, उधर मार मत देना, सब तो फट गया। इधर इसके ही कॉलोनी के बच्चे लोग खेल रहे, इधर ये देखिए इतना गिराया, ये वाला तो खराब हो गया। नहीं खराब नहीं, मार फट गया सारा। कांच है, कांच है, इधर हट गया, लगेगा पैर में। अभी दोस्तों इतना टूटा यहाँ पे साइड में रख दी है, ऐसे आम तो बहुत ज्यादा है इस पेड़ में। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुका है और हम लोग खाना वाना खा करके आए हुए छत पे, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं छत पे, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ठंडा हवा भी चल रहा है यहाँ पर। और दोस्तों हम शाम में गए थे माँ को लेकर के डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो डॉक्टर वही नॉर्मल जो ऐसे तो दवा जो दिया है हॉर्लिक्स और क्या सिरप वगैरह दिया है, कुछ टैबलेट वगैरह, हर कोई खास नहीं है, सिर्फ खांसी, वही जैसा मौसम है, हो सकता है ठंडा पानी पीने से हो गया हो। तो हम लोग क्या है कि फ़ोन में बात करते थे दोस्तों, तो जैसे माँ का आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिलता था, थोड़ा कम बोलती थी वो, तो हम लोग को लगा कि माँ का शायद तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए सौरभ को लेकर के यहाँ आए थे कि हम तो भाई ड्यूटी वाला, हमको तो गाड़ी लेकर निकलना ही पड़ेगा, तो सौरभ को छोड़ के जाएंगे यहाँ पे, 2-4 दिन रहेगा अभी यहाँ पे, तो उस बीच में तबीयत भी ठीक हो जाएगा और देखभाल भी हो जाएगा, हो सकता है उस बीच में फिर जाना पड़ गया दवा लाने कुछ करने के लिए, तो सौरभ है यहाँ पर। तो उसको ऐसे तो उसका मम्मी का भी आने का प्रोग्राम था, लेकिन शुभम का एग्ज़ाम भी आ रहा है तो वो भी देखना पड़ रहा है, तो लेकिन यहाँ का मालूम चला कि ऐसा कोई बात नहीं है, डॉक्टर पास गए थे तो नॉर्मल दवाई दे ही दिया, तो सौरभ है यहाँ पर, अभी देखभाल कर ही लेगा। तो दोस्तों खाना वाना खा चुके हैं, अब देखिए यहाँ पर मेरा बिस्तर लगा हुआ है, अब थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर नीचे रूम में जाएंगे अपना, बहुत अच्छा लगा, कोई मच्छर नहीं कुछ नहीं,
हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है, यही सब गांव होता है एकदम। भले अभी शहर बन गया लेकिन हम लोग तो शुरू से गांव ही बोलते आए इसको। अब देखिए सौरभ भी यहाँ मज़ा ले रहा है छत का, उधर मोबाइल देख रहा है लगा हुआ मोबाइल में। तो यहाँ पर कोई पंखा का नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर, पंखा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों चले थोड़ा देर आराम करते हैं अभी। तो दोस्तों अभी रोहित का फ़ोन आया था तो अभी बताया कि वो बराती जा रहा है, यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा शादी हो रहा है। अभी शादी मतलब आप लोग भी शायद आवाज़ सुन पाते होंगे, मेरे अगल बगल बहुत सी जगह शादी है यहाँ पर अभी। तो उसका रिश्तेदार में भी शादी था, मतलब गोतिया बोलते हैं उसको, तो अपने दोस्त का शादी में गया है बराती। अब देखते हैं, अब यहाँ आने के बाद तो थोड़ा यही होता है ना कि आज उसका शादी उसका शादी, तो यही सब होता है। तो देखते हैं कल वो आता है क्या करता है वो। तो आने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है वो, और बाहर रहता है तो फिर ठीक रहता है। तो ठीक है दोस्तों अभी जा रहे सोने के लिए, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।